नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज चैनल, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं तृतीय चरण में कराए गए चुनाव के तहत लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत विजयी घोषित हुए सरपंच द्वारा ग्रामीणों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद, जिसमें ग्राम लवादा से निर्वाचित सरपंच नितेश्वरी हस्ताराम रहंग डाले चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ 134 मत, मोहगाव धपेरा से हिरकन पवन नकपुरे चुनाव चिन्ह हस्तचलित पंप 441 मत, बुट्टा हजारी से चंद्रकिशोर भैयालाल बघेल चुनाव चिन्ह चश्मा 68 मत, मुरझड़ कोड़िया से ज्ञानता भोजलाल लिल्हारे चुनाव चिन्ह चश्मा 3 मत, बमहनी से वासुंतराव श्रीपत ढवाले चुनाव चिन्ह चश्मा 31 मत, बिरसोला से नरेंद्र सिंह फग्गन सिंह उइके चुनाव चिन्ह चश्मा 150 मत, लोहारा से धनेन्द्र लाल बालचंद करपेती चुनाव चिन्ह चश्मा 174 मत, पाणीवारा से युवराज सोनवाने चुनाव चिन्ह तारा चाबी 60 मत, खमरिया से ज्योति अनिल टेम्बरे चुनाव चिन्ह चश्मा 147 मत से जीत हासिल कर विजय झंडा लहराया और ग्रामीणों से उनके विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे, ग्रामीणों की हर समस्या को ग्राम में ही निपटाने का वादा किया गया। पंचायती राज टीम विजय सरपंचों को हार्दिक शुभकामनाएं देती है। ये बताओ मैडम, आप सरपंच पद पर आए हैं, क्यों आए हैं? गांव का विकास करने के लिए। अच्छा, कितने मतों से विजयी हुई? 134 मतों से। ग्रामीण जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं गांव का विकास कराऊंगी और ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाऊंगी। आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। परिचय बोले। ज्ञानता भोजलाल भंडारे। अच्छा, नवनिर्वाचित सरपंच हैं आप? नवनिर्वाचित सरपंच हैं। कौन से ग्राम से? कवड़िया। कौन से क्षेत्र में आते हैं? लालबर्रा आते हैं ना। कितने मतों से विजयी हुई आप? 63। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? 10वां था। अच्छा, आपको ग्रामीणों ने विजय किया है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आर्थिक शुभकामनाएं देती हूं। आर्थिक शुभकामनाएं। मैडम परिचय बोले। हिरकन पवन नकपुरी। अच्छा, जन्म से रहते हैं यहाँ पर? अच्छा अच्छा, बहु मैं। तो आपको सरपंच पद के लिए चुना, ग्रामीण में चुना है ना? हाँ जी। क्यों चुना होगा? आपने इसके पहले कुछ कार्य किए थे ऐसे? पंच रहे हैं। हाँ हाँ, 10 साल जनता की सेवा करी। तो उन्होंने अच्छा काम देख के हमारा चुन के लाए सरपंच की। अच्छा अच्छा अच्छा। 9 प्रत्याशी थे, उस बीच में आपने चुनाव को फाइट किया। हाँ जी। तो संघर्ष ही था एक, तो आपको उस समय कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था कि आगे बढ़े और विकास करे आपका। ठीक है, ये बताइए आपके ग्राम में कौन कौन से विकास कार्य अधूरे जिसे पूरा करेंगे आप? नल जल है पहला, दूसरा स्ट्रीट लाइट है, नाली है, नाली निर्माण का कार्य, और आंगनबाड़ी भी है दो तीन जन घर में लगती है। नहीं जी, कौड़िया टोला में उधर ये बसंगा टोला में बच्चों को असुविधा होती है क्या? आवाज होती है उनको, बहुत परेशानी होती है, दिक्कत बनती है। वो टोले अलग है और इधर थोड़ा दूर पड़ता है उनको। ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर पहले से कीचड़ युक्त रहा हो, जहाँ जहाँ रोड बनी नहीं हो जिसे आप बनाना चाहते हैं। बसंगा टोला में भी रोड बनने का है, वहाँ रोड बनी नहीं है, जनता बहुत परेशान हो रही है। ग्रामीण जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नमस्कार। परिचय बोले। मेरा नाम युवराज सोनवानी, ग्राम पंचायत पांडेवाड़ा, वर्तमान सरपंच। ये बताइए सर, आपको ग्रामीण जनता ने चुन कर के लाया, तो आप ग्राम के लिए क्या करेंगे? ग्राम के लिए स्वच्छता की शुरुआत करूँगा और स्वच्छता खुद से करूँगा। सबसे पहले तंबाकू खाना छोड़ूंगा, जिस दिन शपथ ग्रहण होगी उस दिन। और कुछ काम है स्कूल टोले में,
एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। आंगनबाड़ी भवनों की, आंगनबाड़ी भवनों में भवन तो पर्याप्त हैं, उनमें बाउंड्री वॉल, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड टाइप का, वही। अच्छा सर, ये बताइए आपके यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा यहाँ पहली से पाँचवीं तक है जी, और ठीक ही है। दो टीचर हैं, एक मेरे ख्याल से बच्ची पढ़ाती है, वही। अच्छा, आपके यहाँ पर जो स्कूल में मध्याह्न भोजन आता है वो मेनू के आधार पर आता है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो मेनू के आधार पर चल रहा था, अभी अब उतनी जानकारी नहीं है, बीच में लॉकडाउन लग गया था। सर, शिक्षा के लिए और क्या करेंगे? शिक्षा, आज का जनरेशन तो शिक्षा से ही उठता है, शिक्षा को ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए। सही, पालकों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को यहीं पढ़ा। शिक्षा का स्तर गिरने का कारण वही है कि जो थोड़ा संपन्न परिवार है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज देते हैं जी। और शिक्षा के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, जिनके बच्चे जो बोल नहीं सकते उनके बच्चे गांव के स्कूल में जाते हैं। सर, यहाँ पर जो है पहली से पाँचवीं तक की कक्षा होती है जिसमें मात्र शासन दो ही टीचर देता है, दो ही शिक्षक देता है, क्या ऐसा होना आपको कैसे लगता है? नहीं, ऐसा तो, ये तो गलत है, क्योंकि पाँच तक कक्षाएं होती है, टीचरों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो शासन के नियम क्या हैं ये तो जानकारी नहीं है मुझे। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? नहीं, इस संबंध में तो टीचर होना चाहिए, कम से कम तीन तभी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ नज़र आता है। हाँ, इससे गिरा हुआ नज़र आता है। अच्छा। मगर अपने गाँव में एक व्यवस्था की हुई है, एक बच्ची आती पढ़ाने, अब उसका मानदेय कौन वहन करता है तो ये जानकारी नहीं है मुझे। शासकीय स्तर पर मात्र दो टीचर हैं? हाँ, शासकीय स्तर पर दो हैं। सर, ये बताइए कि आपके, आप तो सर जी आपका परिचय बोलेंगे। सर, मेरा नाम धनेन्द्र कलपेती, ग्राम लोहारा, पोस्ट बड़गांव, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश, वार्ड नंबर 15। वर्तमान में नवनिर्वाचित सरपंच हैं जी। पूछो। तो क्या विकास बाकी रह गया है? सर, गांव में जो अभी जो पिछले अधूरे काम है उनको पूरा करने का है, और अभी आने वाले शासन की योजनाएं जो भी आती है उनको पूरा करेंगे। और अपने आप पानी पीने की व्यवस्था क्या है? सर, पानी तो अभी बराबर मिल नहीं रहा है टैंक से, 15 दिन में एक बार आते रहता है। तो अब आप सरपंच बने हैं जी, अब पानी आप घर घर पहुंचाएंगे? जी सर, कोशिश तो जरूर, प्रयास करेंगे। और कोई ऐसा कार्य चुका हो पूर्व सरपंच से? अधूरे काम सर है, बाकी वैसे तालाब है कुछ, हाँ, नालियां हैं, कुछ रोड हैं। आंगनवाड़ी भवन है सर, पर्याप्त है, ये तीन आंगनवाड़ी भवन है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं है सर जी। स्कूल? आपको अस्पताल पड़ेगी, अस्पताल की। आंगनवाड़ी केंद्र पड़ सकती है सर, वैसे आंगनवाड़ी इसलिए आवश्यक है जी, अस्पताल आवश्यक है। जी सर, और जानकारी लगाना पड़ेगा कौन कौन से अधूरे काम। गांव में ऐसे क्या विकास बाकी रह गया है कि नहीं जी? ये बताइए आपके यहाँ का सराहनीय कार्य कौन सा है, जहाँ पर कीचड़ युक्त था, जहाँ रोड नहीं बनी थी, ऐसा कोई कार्य है कहीं पर आपको दिखाई देता है? अभी तो सर, जहाँ से रोड, कितने वार्ड है आपके यहाँ? 16 वार्ड है सर। 16 वार्ड में ऐसी कहीं कमी नजर आ रही है? हाँ सर, टोले में, सिवा टोले में नल की आवश्यकता है, वहाँ पे पानी की। वार्ड में कीचड़ होता हो, कच्ची रोड हो? कच्ची रोड तो सर लगभग यहाँ पर्याप्त बन गई, पक्की रोड तो बन गई लगभग पर्याप्त यहाँ पे। कितने वोटों से विजय हुई आप? 174 वोट। क्या निशान था आपका? चश्मा। जिन ग्रामवासियों ने आपको वोट देकर जिताए जी, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी शासन की योजनाएं आएगी उनको, बात हितग्राही को उनके तक पहुँचाने के लिए प्रयास करेंगे। और उनका दिल से आभार, उनका आभार, धन्यवाद। सर, परिचय बोलें। मैं लक्ष्मण आचार्य, उत्तर से सरपंच के लिए निर्वाचित किया गया है। अच्छा सर, कितने मतों से विजय हुई है? 400 वोट से। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? हैंडपम्प।
तेरी जय।